विराट पुरुष है, फिर उनके रूप में उन विराट पुरुष उसमें उत्पन्न होते हैं, प्रकटित होते हैं। इनको कहते हैं स्वांसेन विष्ट पुरुषा अभिदान अवाप नारायण आदि देव। वह आदि देव नारायण उन विराट पुरुष को इन 14 ब्रह्मांड जनक विराट पुरुष रूप गिनाया गया है द्वितीय स्कंद में भागवतम। ये भागवतम का पाठ नियमित रूप से जो करते हैं उनको पता है, ये सारी बात है कि कहां पर कौन वर्णन आता है। तो भगवान का ये 14 भुवात्मक एक विराट पुरुष माना जाता है। ये समझिए कि उनके बाल बादल है, हाँ ये विराट पुरुष के अंग को गिना रहे, और ये सारी नदियां जो है उनकी नाड़ियां है, उनके से पर्वत पर्वत है, हड्डी है, ये विराट पुरुष को गिना रहे सुखदेव गोस्वामी पाद। ये अद्भुत बातें है सारी, हमारी समझ में आती है नहीं आती है जो भी हो, ये सृष्टि कहते हैं कि उनके बाद में एक अंश में उसी में समा जाते हैं भगवान। उन विराट पुरुष को उत्पन्न किया और विराट पुरुष में ये सभी 14 ब्रह्मांड का कल्पना किया गया है, जैसे जैसे पाताल है उनके तलवे माने गए हैं, और उसी प्रकार ऊपरी लोग ब्रह्म लोक है उनका मस्तिष्क माना गया है। ये विराट पुरुष की कल्पना करते हैं, तो ये कहते हैं कि वो स्वांसन और विराट पुरुष का रचना करके अपने एक पुरुष रूप में वो अंदर निहित हो जाते हैं, उन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। न आविष्ट स्वअंशन पुरुषाभिधान से अभाव, उनको पुरुष रूप बोलते हैं। और वो कौन है? तो नारायण सह देव देव, वो देवताओं के देव श्री नारायण है, तो अपनी अनंत शक्ति से कार्य करते हैं, उनको कोई किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बिल्ली लिंग बनाने के लिए अनेक ट्रक चाहिए, वो चाहिए, वो क्रेन चाहिए, यह चाहिए, उधर से लाओ उधर से लाओ, भगवान कहीं से कुछ सामान नहीं लिया, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना में अपने से बना रहे, खटाखट खटाखट खटाखट, और कहां बना रहे? अपने में बना रहे, बाहर कहीं नहीं, खुद बना रहे, खुद के द्वारा उत्पन्न महाभूत है, वस्तु किसी से कुछ नहीं लेना है। अब कोई बिल्डर को बोलो बिल्डिंग बनाओ और वस्तु किसी से कुछ नहीं लेना है, तुम्हारा शरीर से निकालो सब कुछ, ये इसी को भगवान बोलते हैं, इसी को अनंत शक्ति बोलते हैं। ये कैसे कार्य होता है? हमारे चिंतन से परे, इसी का अचिंत, भगवान अचिंत शक्तिमान है, हमारे चिंतन में आने वाली बात नहीं है। ये कैसे हुआ होगा, क्या इतना पूरा और इतना विराट रूप, और उसमें सब में प्रविष्ट अणु और परमाणु में व्याप्त पुरुष, बोले उसी को पुरुषा अवतार कहते हैं। इसमें जो वस्तुतः आदिदेव नारायण वही है। ना यत काय एष भुवन त्रय सन्निवेशो यस्य इंद्रिय स्तनुवृतां उभय इंद्रियाणि, कहते हैं कि उसी उसी के शरीर से, उन विराट पुरुष के शरीर से भुवन त्रय सन्निवेशो, ये त्रिभुवन में आवृत होकर के विराट पुरुष खड़े हैं, और कहते हैं इनकी इंद्रियों से हम सब लोग इंद्रिया लिए हैं, जीवों को जो इंद्रिया मिलती है, उनकी इंद्रियों से, उन विराट पुरुष की इंद्रियों से हमारे पास इन देहधारी जीवात्मा के पास जो इंद्रिया है वो इंद्रिय उससे मिली हुई है। और ज्ञानम स्वत श्वसन अतो, कहते हैं कि वो स्वत ज्ञानशील है, उनमें से थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब जीवों को दिया जाता है, उनके भाग्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा बुद्धि, ज्ञान का अर्थ थोड़ा थोड़ा बुद्धि वस्तु वितरित होता है। और श्वसन तो बल ओजसा इहा सत्वादि भी स्थितो, और हमारे पास जो इंद्रियों का शक्ति है वो उनके सांस से मिलती है, वो विराट पुरुष जब सांस लेते हैं, ये भव प्रवाह का वर्णन है, ये संसार प्रवाहित हो रहा है जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उनकी सांस से चल रहा है, क्योंकि उनकी सांस बंद हो जाएगी हमारी इंद्रिया ठप, सब कार्य ठप, कुछ नहीं चलेगा। बोले उनकी सांस से तत् सांस तो बलम ओजस, ये इंद्रियों का बल और मन का ओजस, मन का एक शक्ति है, पावर होता है, वो पावर सबके पास उसी से इरहार सत्व आदि भी स्थिति लयो उद्भव आदि करता, तो वही अपने सत्व से अपनी शक्ति से इस संसार को
पालन करते हैं, उद्योग उसको बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका विध्वंस करने वाला आदि पुरुष वही भूमा पुरुष अनंत है, जो विष्णुदेव के पूज्य है, कृष्ण पूज्य नहीं है। वो ये मानते हैं ये भूमा पुरुष का अवतार, और विख्यात चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा था, उसको पाठ करके मैं अंदर गया। मैं बोला मैं कहां जाऊं, चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखा था कि वो ही क्यों, क्योंकि ये भूमा पुरुष अनंत से इस सृष्टि का प्रवाह चलते ये ख्याति है, इसलिए भीष्म पितामह का हृदय उन अनंत भूमा पुरुष में लगा हुआ है, न तो सात्वत पुंगवे, कृष्ण में उनका मन नहीं है। देखिए बात, इसी बात से मैं इसी में गया और इसके ऊपर बहुत सोचा आज। मान लीजिए मेरा जप नहीं चल रहा था, आज ये सारा कार्यक्रम था, जप के भीतर में इसी वस्तु को सोचा करता था, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, कल क्या बात करेंगे इसके ऊपर है, इसी की चिंता में मैं जप कर रहा था, लेकिन भगवान ने खोल दिया कहीं से है। और एकाएक सारी तब मैं भागवतम खोल के बैठ गया, कहा हाँ बहुत बढ़िया से कहते के ये आदि करता है ना आदा अभूत कहते रजसाय स्वर्ग विष्णु, कहते हैं कि जब ये सृष्टि का सृष्टि प्रारंभ करनी होती है तो रजोगुण से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, या वो ही स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं, और स्वर्ग विष्णु उनके बाद में जो प्रारंभ हुआ सृष्टि, उनके बाद में उनके पालन के लिए साक्षात विष्णु के रूप में खुद उनका पालन करते, कर्तुरपति द्विज धर्म सेतु, और वहां पर पालन क्या करते हैं, बोले ब्राह्मणों का और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। ये दो चीज से समझ लीजिए, ब्राह्मणों के द्वारा और धर्म के द्वारा, धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य माने शास्त्र, इन दोनों की भगवान रक्षा करते हैं। क्योंकि इस संसार में दो वस्तु नहीं है, इस संसार चलने का आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। मायाबद्ध जीव इन दोनों का आधार लेकर, ब्राह्मण जो ऐसे प्रचारक है भक्तिवेदांत स्वामी जैसे, उन प्रचारक को इस जगत में रखा है उनकी रक्षा और शास्त्र का रक्षा, इसलिए बार बार अवतार धारण करके ब्रह्मा जी के मुख से जब वेद नींद आ गई, वेद गिर गया, मधु कैटभ इत्यादि के रूप बाद में वर्णन करते हैं अवतार लीला को, तो नाना अवतार लीला में बस यही दो ही बताया गया है, भक्तों का रक्षा जो भक्ति का प्रचार करते हैं, और उनके साथ साथ ये वेद को कैसे कैसे कहां कहां पर बचा करके भगवान पुनः पुनः स्थापित करते हैं, और बाद में ये इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवद गीता एक महाशास्त्र को अपने श्रीमुख से उच्चारित करते हैं, बारम्बार भगवान ये कार्य इस संसार में करते हैं। ये बहुत आवश्यक कार्य है जीवों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि कैसे समझेगा व्यक्ति भगवान के रूप को, उनके गुण को, उन शास्त्रों के द्वारा, और सिद्ध महात्मा गण उनका प्रचार करते हैं, उन दोनों का माध्यम लेकर के हम लोग इसको समझ सकते हैं। खैर कहते हैं उन धर्म से तो उनका पालन करने के लिए, और रुद्रो अपि अप्याय तमसा पुरुष स आद्य इति उद्भव स्थिति लैया सततम प्रजा, कहते हैं कि सतत जन्म और बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा का पालन करते हुए, कहते जब लोप करना इस संसार को, तो रुद्र के रूप में उन तमोगुण को धारण करते वही पुरुष ब्रह्मा रुद्र और विष्णु के रूप में अपने आप को प्रकटित करते हैं, पालन के लिए, धारण के लिए और इसके विनाश के लिए, रुद्र के रूप में तमोगुण को धारण करते हैं। और इसी प्रकार इति उद्भव स्थिति लया, इस संसार को प्रकटित करना, उनका पालन करना, उनका विनाश करना, ये तीनों चलते रहते हैं। और सततम प्रजासु, और उसके बीच में प्रजा हम लोग जीवात्माएं सतत शरीर को धारण करते हैं, जब सृष्टि होती है तो अनेक रूप में हमारा शरीर जिस रूप में सृष्टि के अंत में था उसी रूप में प्रकटित होगा, सृष्टि का उद्भव स्थल जब प्रकटित होता है सृष्टि, तो ब्रह्मा के एक दिन में त्रिलोकी का सृष्टि होता है, और ब्रह्मा के आयुष्य पूरा होने पर ये चार प्रकार का प्रलय बताया गया, एक भिन्न बात है उनको हम कभी लेंगे, ये चार प्रकार का प्रलय है इस सृष्टि में, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक, ये चार प्रलय है, उसमें आत्यंतिक प्रलय होता है वो जीव के लिए, जीव जब यहां से छूटता है तो आत्यंतिक प्रलय उनको बोलते हैं,
ये पूरा सृष्टि केवल जीवों के उद्धार के लिए बनाया गया। हम लोग सोचते भोग के लिए, अरे ये खाओ भोग खाओ, ना ना घूमो, हमारे लिए नहीं है, साधु लोग के लिए है, और हम मजा कर रहे हैं पीछे पीछे। जैसे गन्ने में पानी छोड़ा जाता है तो एरंडे के लिए नहीं छोड़ा जाता है, वो पानी छोड़ा जाता है गन्ने के लिए, लेकिन एरंडे पानी पी करके बड़े होकर लहराने लगते हैं। अरे यार हम करते हुए, हम लोग हम करते हुए घूमते, ये संसार भगवान किस लिए चला रहे, साधु है इसलिए। वो गन्ने के लिए पानी छोड़ा है लेकिन अपना एरंडा लहरा रहा है, मैं यह करता हूँ मैं वह करता हूँ। इस संसार में लोग सोचते आप कुछ नहीं कर सकते, शाम को भगवान प्रलय कर देंगे। अगर एक साधु नहीं रहेगा इस सृष्टि चलेगा नहीं, साधु है इसलिए सृष्टि चालू है। इसीलिए प्रभुपाद महाराज जैसे संत घूम रहे हैं ना, इसलिए सृष्टि चालू है। बाकी भगवान क्यों रखेंगे, थर्ड क्लास लोगों के लिए क्या सृष्टि है, बदमाश लोगों के लिए। हाँ लेकिन वो बदमाश को सुधारना होता, पिताजी का आइडिया होता है ना हम लोग के सुधार के लिए। कितने दयालु भगवान इस सृष्टि का इस प्रकार प्रारंभ करते, कहते हैं कि इसी प्रकार रुद्राय अप्य धर्मस्य, और एक लीला आती है भगवान की। कहते दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम मूर्ति था धर्मस्य, और वो धर्म की पत्नी थी। धर्म धर्म जिनको हम धर्म बोलते हैं, ये देवता लोक का घटना है। दक्ष प्रजापति की लड़कियां 7 लड़कियां थी, उनका भिन्न 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 लोगों के साथ विवाह हुआ था। इस सृष्टि प्रारंभ का बात है, जब ये प्रवाह चलता है तो उसी काल की बात करेंगे ना। तो ये जब कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है, किस प्रकार मनुष्य किस प्रकार पशु पंखी बने, ये दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का विस्तार ये जगत है। ये सारा जो 84 लाख प्रकार की योनियां है, ये केवल 60 लड़कियों का उन भिन्न भिन्न, जैसे 13 कन्या को चंद्र को, हाँ 13 कन्या को दिया था कश्यप जी को। कश्यप एक प्रजापति है 10 प्रजापति में, ब्रह्मा के पुत्र 10 प्रजापति। ब्रह्मा ने सृष्टि किया 10 प्रजापति का, और दक्ष ने सृष्टि किया लड़कियों का। लड़के लोग का सृष्टि किया तो नारद ब्रह्मचारी बना दिया, एक बार 10,000 को एक साथ में ब्रह्मचारी बना दिया, एक बार 1,000 को एक साथ में ब्रह्मचारी बना दिया, बहुलाश्व इत्यादि को। तो वो तो खिन्न होकर के ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन लेकर के, अरे मैं सृष्टि करता हूँ, ये लोग सीधा वो भगवान का भगत बना देते हैं, ये नारद घूम घूम करके। बोले लड़कियां बनाओ ना, उनके पास जाएगा नहीं नारद उपदेश देने के लिए, वो ब्रह्मचारी है। बोला हाँ आइडिया, ब्रह्मा ने आइडिया दिया और 60 लड़कियों को सर्जन किया, दक्ष प्रजापति का सृष्टि प्रारंभ। हम लोग सब दक्ष प्रजापति की लड़कियों के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के लिए, और गिना कीजिए बच्चे के बच्चे के बच्चे, और पता नहीं कहाँ नंबर आएगा। बाकी है उनका सृष्टि, ये भव प्रवाह इस प्रकार सृष्ट होता है। आपकी थोड़ी जिज्ञासा संतोष हो जाए। बोलते इसी प्रकार वो निष्कर्म का उपदेश देते हुए उन धर्म प्रजापति नहीं सॉरी दक्ष प्रजापति की लड़की उन धर्म की पत्नी के गर्भ से नर नारायण के रूप में उत्पन्न हुए, और नर नारायण बद्री का आश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं, और आज भी लोगों को वो शिक्षा देते हैं। आज भी है, अभी भी अद्यावती लिखा है इसमें, आज भी वहां पर विराजमान है नरनारायण ऋषि प्रभु प्रशांत। वो कहते निष्किर्म लक्षण उवात चचार कर्म यो अद्या अपि चा असत, अद्या अपि अभी भी आसते वहां पर विराजमान है। और ऋषि वर्जन निसेविता अंगरी, और उनके चरण सेवा बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आज भी वहां पर बद्री का आश्रम में उन नर नारायण का सेवा करते हैं ऋषि मुनिगण। वो धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में भगवान का नर नारायण के रूप में अवतार था। यही नर नारायण कौन है, अर्जुन और कृष्णा, यही तो बात है। ये सब जॉइंट में मुझे सोचा था कहां से मिलेगा मुझे ये, और ये भूमि पुरुष वो अनंत देव से सृष्टि प्रारंभ हो, ये सब कथा कहां मिलेगी, ये कथा मुझे इसी फेर में मैं पड़ा हुआ था है? और आज वो पूरे चिंतन का फल मिला कि ये अध्याय मेरे हाथ में आ गया पूरा, एकादश स्कंद का
तो यहाँ बताया गया है कि वो जब घोर तपस्या करते हैं, तपस्या से उठते तो नैष्कर्म का उपदेश करते हैं, उन निष्काम भगवान की आराधना कहते, उन रूपी जो छूटने वाला कर्म है उसका वो प्रचार करते हैं, क्योंकि जीवों को इस जगत से मुक्त करना है एनी हाउ, और हम लोग एनी हाउ जाना नहीं चाहते, बचना चाहते, लेकिन भगवान संतों को भेज करके सत्संग कराओ। देखिए भगवान का उपाय है ये, भगवान भी अवतार लेके वही काम करते हैं, भगवान की आराधना रूपी निष्काम कर्म जिससे भीष्म की बुद्धि शुद्ध हुई थी। निष्काम कर्म बहुत जरूरी है, सकाम कर्मों को छोड़ देना चाहिए, भगवत अर्पित कर्म करते रहना चाहिए, इससे बुद्धि, इसी से चित्त शुद्ध होगा और ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। चित्त शुद्धि होने पर सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत बातें हो चुकी है उसमें। इंद्र विसंख्य और जब वो तपस्या कर रहे थे, एक बार की घटना बता रहे, त्रिभुवन कमनम, आज के श्लोक का जो पहला शब्द है, इन त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ सुंदर, या इस सृष्टि के भीतर जो सुंदरता दिखाई पड़ती है, हम लोग सृष्टि प्रवाह के साथ में भीष्म पितामह ने कह दिया कि यहाँ जो गलित सौंदर्य भी है उनके कारण है। गलित सौंदर्य का अर्थ हमारा देह आज सुंदर है कल नहीं रहेगा, ये गलित सौंदर्य है। आज हमारे पास सुंदरता है, युवक है तब तक मेरे पास क्या सुंदरता रहेगी, गाल में खड्डे हो गए, बाल सब सफेद चांदी के हो गए, मुख में सिद्धांत भी चला जाएगा, क्या सुंदरता रह जाएगी। लेकिन वो लड़की सुंदर है ना, क्यों, युवक है, वो गलित सौंदर्य है हमारा, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए गोविंददास कहते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे परती तीर, उनका क्या अहंकार जो कल जाने वाला है, इथे की आचे परती थी, तुम उससे प्रीति कर रहे हो, वो तो कल जाने वाला है जिससे हमारा प्रेम है। हाँ, जिससे ये सब सुंदरता है, ये भगवान की सुंदरता से कहते त्रिभुवन कमनम, इसलिए बोलते हैं कि इन त्रिभुवन में कमनीय पुरुष उनके जैसा कोई नहीं है, बल्कि उनसे ये सारा सुंदरता वितरित हुआ है। जिनके पास थोड़ा बहुत सौंदर्य है वो उन्हीं से मिला हुआ है, और उन्हीं में व्यक्ति आधा घंटा घंटा अरिसा के सामने इधर उधर पाउडर किया करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये किसने दिया है, इधर दिया है, गोविंद देव बैठे हैं, इस रूप को देने वाले, ऐश्वर्य को देने वाले, क्योंकि हम लोग देखा सब कुछ तो वहीं से आते हैं, उन विराट पुरुष से हम लोग सब कुछ उधार लेकर के आए हैं। खैर, इंद्र को एक दिन वो तपस्या में बैठ गए, इंद्र को शंका हुआ, सबसे पहले इंद्र शंकित होता है तपस्या से, बोले इंद्रासन इधर उधर नीचे से हिलने लगता है, इधर को तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्रासन डोलने लगता है। इंद्र बोले कौन तपस्या कर रहा है, कामदेव को बुलाया, जल्दी जाओ, ये कोई दो ऋषि तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण रूपी दो ऋषि ये तपस्या में रत हुए हैं, जल्दी जाओ। तो वसंत ऋतु और अप्सराएं और मलय पर्वत का जो सुगंधित पवन, इन तीन को लेकर के वो फौज है कामदेव की। और हम लोग तो बिना कुछ काम के उपाय से केवल मात्र ऐसे ही अपने देह को देख करके उनमें आसक्त हो जाते हैं, लेकिन ऋषि मुनिगण आसक्त नहीं होते, तपस्या करने वाले लोग, उनके लिए स्पेशल भेजा जाता है स्वर्ग से, इसकी छुड़ाव नहीं तो वो इंद्रासन ले लेगा। इसी बात को कह रहे, इंद्र विसंख्य मम दाम जिग्रुक्षति कामम, कहते कि शायद मेरा इंद्रासन लेने के लिए तपस्या कर रहे दोनों, वो नहीं जानता था कि भगवान है, तो फौज को, अपनी फौज को उन्होंने लगा दिया, कामदेव को बुलाया और अप्सराओं को दिया, बोले जो चाहिए चॉइस कर लो इसमें से सुंदर अप्सरा, जल्दी जाओ। और कामदेव अपनी फौज लेकर के उपस्थित, कहां, बद्रिका आश्रम में जहां नर नारायण तपस्या में लगे हुए थे। और फिर मलय पवन चालू किया, वसंत ऋतु प्रारंभ कर दिया, और ठंडा बंडा हटा करके, वो लोग का शक्ति होता है, कामदेव का कुछ पावर होता है,
और इंद्रिया का नाच सॉरी अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ और अप्सराओं के उन देखने के तिरछी नजर से देखने का बाण इत्यादि कामदेव चलाना प्रारंभ किया, भगवान हंसना प्रारंभ किया। और ये देख करके वो घबरा गए, ये अभी हंस रहे आसक्त नहीं हो रहे अप्सरा में, निश्चित मारे जाएंगे हैं। ओ, क्या काम को बहुत डर लगता है, अभी क्रोध में आकर के हमको जला देंगे। कई बार जलना पड़ता है कामदेव को भी हैं। तो वो बोले ये हंस रहे है, थोड़ा ढाढ़स आया कामदेव को, हंस रहे उसका तो दूसरा होता है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं कभी किसी की तपस्या भंग करे और कोई हंसना प्रारंभ करे। तो ये वो घबरा करके वो थोड़ा लज्जित हो गया अपने कार्य पर कामदेव, और लज्जित हो करके वो अप्सराएं भी लज्जित हो गई जब इनका समाधि खुला नहीं। मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। तब वो तब भगवान बोले माँ बेस्ट भाई मत करो, भाई मत करो, आप लोग जब आए हैं तो कुछ मेरा स्वागत लेकर के जाऊं, मैं थोड़ा आपको आइटम यहाँ का खिला पिला रहा हूँ और आप खा पी करके आराम से जाना, एक आध गिफ्ट भी दूंगा वो लेकर के जाना, इंद्र को देना जरा मेरा दिया हुआ गिफ्ट है। तो वो नारायण देव का स्तुति किया, उस स्तुति में हमने देखा, वो स्तुति इसी प्रकार है कि देखिए कोई व्यक्ति काम को जीत लेते हैं और सब कुछ जीतने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्रोध के गड्ढे में छोटे से गोकुर जैसे क्रोध के गड्ढे में डूब जाते हैं, लेकिन आप महान है, उन क्रोध भी आप में दिखाई नहीं पड़ा है? वो प्रशंसा करने लगा है? तब भगवान ने अपने अंग से ऐसी सुंदरिया कटाकट कटाकट उत्पन्न किया, लाइन लग गई और उनके सामने वो अप्सराए बिल्कुल तरक्लास, मिस केनिया या मिस तंजानिया उनके उसको छोड़ दो, ये मिसो को मिस वर्ण फिस वर्ण और को छोड़ दो, अप्सराएं जो है स्वर्ग की वो एकदम फिक्की दिखने लगी और उनके वो तो लक्ष्मी सदृश थी है? और इतनी कमनीय सुंदरी उत्पन्न कर दिया, इसी को कहते त्रिभुवन कमनम है? जो अपने पास इतना ये सब वैभव उनका है, ये भाग्य की देवी अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी साक्षात उनकी सेवा कर रही है, वो ये अद्भुत पुरुष है भगवान। तो देखिए तो वो जब उत्पन्न हुई तो सबसे उनके रूप देख करके तो वो लोग एकदम लज्जित हो गई और अपने आप को छुपाने लगी, अरे उनके सामने कैसे जाए, इतनी थर्ड क्लास औरतें कहां से लेकर के आया। कामदेव को भी लज्जा हो गई, अरे यार है? उनसे सुगंध निकल रही थी, उन सुगंध से ये और ज्यादा लज्जित हो गई, क्योंकि स्वर्ग की कन्याओं के शरीर से एक सुगंध निकलता है वो 80 मील तक वो जाता है, लेकिन ये सुगंध तो अद्भुत थी। तो भगवान ने ऐसा लाइन लगा दिया लड़कियों का, तो बोलते एक आध इसमें से चॉइस कर लो और स्वर्ग में लेके जाओ, वो हमेशा इंद्र को भी याद रहेगा। ये सर्वोपरि सुंदर त्रिभुवन कमनम के ऊपर मैं बोल रहा हूं, साथ में जॉइंट हुआ तो कथा मैं क्या करूं, ये कथा जॉइंट हो गया है। तो ये लोग उर्वशी को लाए, वो तो खुश हो गए, ये मिलेगा इसमें से सैंपल है। तो ये उर्वशी को ले लाए और उर्वशी सर्वोपरि अप्सरा आज तक है, उनसे उनके बाद कोई ऐसी अप्सरा इंद्र के पास नहीं है। इंद्र और चकित होकर के उर्वशी को देख रहे, काम को पूछ रहे कि क्या हो गया, अरे बोलते फेल हो गया, वो भगवान थे साक्षात, बोलो भगवान थे, हमको क्या पता ऋषिमुनि के रूप में ये तपस्या कर रहे थे है? बोलते गिफ्ट लाया है, बोले गिफ्ट में ये अप्सरा को दिया। इंद्र देखो आइया तो क्या सुंदर है, वो उर्वशी के रूप में आज भी है स्वर्ग, वो नारायण के द्वारा दिया, और वो एक नहीं थी अनेक थी, उनमें से एक चूज किया वो लोग ने, बोले सैंपल के लिए एक ले जा सकते हैं, ये है भगवान है? और उनको क्या करना है नारियों से, उनको क्या करना है, जब अपने से सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं सृष्टि कर सकते हैं, इसी को भगवान बोलते हैं, ये सर्व ऐश्वर्यपूर्ण भगवान भूमा पुरुष में है? अच्छा ये भूमा पुरुष है,
उसका क्या प्रमाण है। आज एक दूसरी कथा, कथा पर कथा है, तुम्हें बोला था थोड़ा 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 मिनट चलाऊंगा, 9-7 हो गया है, लेकिन इस पर भी अरे तो कैसे पूरा करेंगे स्तुति को है? अच्छा, एक बार की घटना है, द्वारिका में एक ब्राह्मण का लड़का मर गया। जन्म लेते ही जैसे वो भूमिष्ठ हुआ है, उनकी ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से भूमि पर गिरा, गिरते ही वो मर गया। गिरते ही मर गया, ब्राह्मण तुरंत उनकी लाश को उठाया और उठा करके भगवान के द्वार पर जा करके और द्वारिका में जा करके फेंका भगवान द्वार पर और लगा गाली देने। बोले क्या राजा लोग प्रजा का पालन करते हैं, ये मेरा पुत्र आते ही मर गया, उसका अर्थ है राजा लोग अभी ठीक नहीं है। हम लोग श्लोक वाइज नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी कहते हैं हिंसा विहारम नृपतिम ब्रह्म द्विष सत दियो लुब्धस्य, कहते हैं राजा लोग लोभी हो गए हैं और ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, वो नाना प्रकार चालू किया, नहीं तो हमारा पुत्र कैसे मरेगा, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण इतना पुण्यशाली होते हैं, उनके पास पावर होता है, वो पिता से पहले पुत्र कैसे मरे तो लगा गाली देने, आप लोग का गलती, आप लोग के शासन में कमियां हैं। और बलराम जी कृष्ण ये सब गाली सुन करके चुप थे, क्योंकि नहीं तो ये घटना होगी नहीं, ये तो ब्राह्मण था और 5000 वर्ष पूर्व ब्राह्मण का कुछ क्षमता था, जैसे तैसे खैनी बनी खाने वाले नहीं थे ब्राह्मण, 5000 वर्ष पूर्व पावरफुल ब्राह्मण थे, है वो ले जाकर के फेंका लड़के को, बोलते ये देखिए ये आप लोग के करते थे, और ऐसा करके वो चला गया, दूसरा जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया, सबको फेंक करके गाली देते थे, 9वां जन्म लिया और 9वीं बार आए तो अर्जुन संजोग से वहां बैठा था, अर्जुन आता जाता रहता है ना, वो संजोग से अर्जुन वहां बैठा था और विप्र ने गाली स्वयं गाली चालू किया, अरे ये लोग लुब्ध लोभी हो गए हैं, केवल पेट पालना जानते हैं, कोई क्षत्रिय है नहीं, यह नहीं वह नहीं। भगवान सुन रहे थे, अर्जुन से रहा नहीं गया, तुरंत गांडीव उठा लिया हाथ में और अर्जुन बोला क्या द्वारिका में कोई क्षत्रिय नहीं है क्या, अर्जुन चालू किया बोलना, ये क्या बोल रहा है ब्राह्मण और भगवान को गाली दे रहा है ब्राह्मण, अपने इष्ट को गाली सहन कर सकते हैं, मित्र है उनके, बोलते हैं मैं धनुर्धर मैं गांडीवधारी हूं, अगर कोई रक्षा नहीं करेगा ब्राह्मण डरो मत, अगली बार बच्चा होगा मुझे पहले से खबर करो, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। भगवान चुपचाप सुन रहे थे, तो ब्राह्मण ने कहा भी अरे तुम अपने गांडीव का डिंग मत हाको, ये साक्षात विष्णु भगवान है और ये बलराम जी है और इनके पुत्र इत्यादि महा उनके समान ऐश्वर्यशाली है, कोई चुप बैठे तू क्यों डिंग हाक रहा है, बोलते मैं डिंग नहीं हाक रहा हूं, मैं आप प्राण लेता हूं कि अगर आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। तब वो वाह वाह करता, अर्जुन का वाह वाह करता हुआ घर गया, बोले अभी 10वां बच्चा जी जाएगा क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया। तो वो घर गया और जब 10वां बच्चे का तैयारी हो रहा था, उन प्रसूति का काल आ गया, तो उसी टाइम अर्जुन के पास वो दौड़ता हुआ, पाई माम पाई अर्जुन तुम बोला था अभी बच्चे का रक्षा तुम करो, अर्जुन ने गांडी उठाया और अपने मंत्र को अभी अपने अस्त्रों को उन बाणों को अभिमंत्रित कर दिया और अभिमंत्रित करते हुए उन बाणों से उन पूरी सूति का ग्रह को एक पिंजरे के सदस्य में बदल दिया, बाहर हवा भी न जा सके, जाएगा कहां बच्चा है? और अभिमंत्रित किया हुआ था पूरा ये तीर, और इसी प्रकार पिंजरा बना दिया तीर मार मार करके और ब्राह्मण उनके काजी देख करके देख रहा था सब कुछ और चकित था, वास्तव में ये गांडी दाढ़ी है तो ये बात सही है और ऐसा पिंजरा बना दिया। और उनके बाद में वो ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया, जन्म लेकर के वो बार बार रो रहा था, ब्राह्मण को बार पता चल रहा था कि जन्म हो गया और रो भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर रोना बंद हो गया, वो ब्राह्मण तुरंत मुंह लटक गया, बोले अर्जुन जी क्या हुआ, तो उस टाइम सशरीर गायब, वो शरीर भी नहीं रहा, ऐसे ही गायब हो गया वो बच्चा, वो हटता है तो शरीर छोड़ करके जाते थे मर जाते थे, लेकिन वो सशरीर गायब,
अर्जुन चकित है, और वो आ करके, अभी तो मुर्दा क्या लाएगा, रहा नहीं था मुर्दा, आ करके फिर भगवान के सामने लगा गाली देने लगा। बोले अबे नपुंसक में मैंने विश्वास कर लिया, अपने आप को डिंगा हाँक रहा था, गांधी विदारी है, यह है वो है, वो ब्राह्मण दस गाली सुनाया है? और गाली सुना करके निशास देते हुए ब्राह्मण चल दिया। अर्जुन जी से रहा नहीं गया, बोले आज विपत्ति आ गया है। वो तुरंत अपने योग बल से सीधा यमराज जी के